तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए समाजशास्त्र मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं समाजशास्त्र रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखना है और ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में रिपीट भी हुए हैं, ओके, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। तो आपको वीडियो को पूरी देखना है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए और आपके एग्जाम में भी अगर आ जाएँ तो आप उसे कर पाएँ। तो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र का मानव मस्तिष्क की अंत क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये जो सेंटेंस है या जो ये पंक्ति है ये किसने कहा है? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, हाब हाउस, बी नंबर है सोरोकिन, और सी नंबर मैक्स वेबर, और डी नंबर है मैका इवर। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है, जिनको पहले से मालूम है कि इसका राइट आंसर ये राइट आंसर ये हो जाएगा, तो बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने इसी तरह के चार ऑप्शन होंगे, तो मैं बता दूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो मानव मस्तिष्क की अंत क्रियाओं का अध्ययन है, ये कहा है डी नंबर के मैका इवर ने, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समाजशास्त्र को दोनों व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? समाजशास्त्र को दोनों व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए के हर्बर्ट स्पेंसर, और बी नंबर है कार्ल मार्क्स, और सी नंबर है इमाइल दुर्खीम, डी नंबर है मैक्स वेबर। तो थोड़ा जो इनके नाम हैं, ठीक है, समाजशास्त्रीय लोगों के, इनके थोड़ा नाम कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन, टफ थोड़े इनके नाम हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, सही से समझ लीजिएगा इनके नाम, ठीक है। तो समाजशास्त्र को दोनों व्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया है? दोनों व्यवस्थित रूप से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इमाइल दुर्खीम, ठीक है, सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, नंबर एक है परतंत्र, बी नंबर आदर्शात्मक, आदर्शनात्मक, ठीक है, तमक, और सी नंबर है आत्मनिर्भर, और डी नंबर है, ठीक है, व्यवहारिक। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं चार, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजशास्त्र एक आत्मनिर्भर विज्ञान है, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? ऑप्शन है 9, बी नंबर है 2, सी नंबर है 8, और डी नंबर है 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र संबंधी दो संप्रदाय प्रचलित हैं, राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि यूरोप में फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन एक है 19वीं शताब्दी में, बी नंबर 20वीं शताब्दी में, और सी नंबर है 18वीं शताब्दी में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप में फ्रांस में जब क्रांति कब आई थी, वो आई थी 18वीं शताब्दी में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे बेशक उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यूरोप में फ्रांस की क्रांति 18वीं शताब्दी में आई थी, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया? ऑप्शन एक है दुर्खीम, बी नंबर है मार्क्स, सी नंबर है वेबर, डी नंबर स्पेंसर। तो समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया, ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा। मेन व्यवस्थित मतलब कि एक ऐसा कह सकते हैं कि कोई चीज़, कोई काम होता है ना कि उसको हम व्यवस्थित सही तरीके से करें, ठीक है। तो जो व्यवस्थित रूप प्रदान किया उन्होंने प्रदान किया दुर्खीम ने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, दुर्खीम। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन एक है समाज विज्ञान, बी नंबर सामाजिक दर्शन, सी नंबर प्राकृतिक विज्ञान, डी नंबर मानविकी। अगर समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है आपके क्लास, यानी कि आपको जो भी आपका है बीए है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी है, तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि समाजशास्त्र क्या है, अगर आप सब्जेक्ट ये सिलेक्ट किए हैं अपने कोर्स में, तो आप लोग कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। ऑप्शन अगर इतने दे दिए जाएंगे चार, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आज मैं आपको इस क्वेश्चन से आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि समाजशास्त्र क्या है। तो
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाज शास्त्र एक सामाजिक दर्शन है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है समाज शास्त्र क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एक सामाजिक दर्शन है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये कथन किसका है? किसी ने कहा है कि समाजशास्त्र एक पद्धति है, ठीक है, तो ये कथन यानी कि ये किसने कहा है? ऑप्शन एक है मैक्स वेबर, बी नंबर एलेक्स इंकल्स, और सी नंबर है मैकाइवर, और डी नंबर है सोरोकिन। तो समाजशास्त्र एक पद्धति है, मैक्स वेबर ने कहा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि समाजशास्त्र एक विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है, ऑप्शन एक है सामाजिक विघटन, बी नंबर सामाजिक परिवर्तन, सी नंबर सामाजिक प्रक्रिया, और डी नंबर है सामाजिक नियंत्रण। तो समाजशास्त्र एक विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वो है सामाजिक प्रक्रिया, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है सी नंबर। ओके, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कि अरस्तु, बी नंबर अगस्त कम्प्ट, और सी नंबर है प्लेटो, और डी नंबर है अगस्टा इन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है अगस्त कम्प्ट ने। ठीक है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है? किसी ने कहा है, अभी मैं बोल रहा हूं ऐसे ही, कि किसी ने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक, ठीक है, समाज में जो घटना हुई है उनका विज्ञान है। ठीक है, तो किसने कहा है? ऑप्शन एक है रीज, बी नंबर रास, सी नंबर वार्ड, और डी नंबर है ओडम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ये वार्ड ने कहा है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर वार्ड। ये वार्ड आप लोग ऐसा कैसे समाजशास्त्री हैं, ठीक है, जो इनसे संबंध रखते हैं, ऐसा कैसे जैसे कि कोई चीज, जैसा कि आप कह सकते हैं कि जो परमाणु बम बनाते हैं या रॉकेट बनाते हैं तो उन्हें हम साइंटिस्ट बोलते थे। ठीक है, उसी तरह इन जो सामाजिक से रिलेटेड कुछ भी विज्ञान है, कुछ भी राइटर हैं, तो इन उसी तरह ये भी लोग हैं वार्ड, इन लोगों का संबंध समाजशास्त्र से है। ठीक है, बहुत सारी बुक भी लिखी इन लोगों ने समाजशास्त्र रिलेटेड, सोशोलॉजी, एंटेपेक्स, बहुत सारी हैं, मैंने देखा है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा वार्ड। अगला क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? भारत में समाजशास्त्र के पिता, आप समझ रहे होंगे आप लोग कि समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट है, इसके पिता कौन हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन एक है एम एस गोरे, बी नंबर है एम एन श्रीनिवास, सी नंबर है राधा कमल मुखर्जी, और डी नंबर है एस सी दुबे। तो भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? ऑप्शन आपको चार मिल गए। अब आप सोच रहे होंगे कौन है, तो मैं आपको बता दूं समाजशास्त्र के जो पिता हैं वो राधा कमल मुखर्जी हैं भारत में। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र के पिता राधा कमल मुखर्जी हैं। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाई समाजशास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन एक है साहित्य का अध्ययन, बी नंबर है विज्ञान का अध्ययन, और सी नंबर समाज का विज्ञान, और डी नंबर है विज्ञानों का विज्ञान। तो भाई जो आप समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं आपको बता दूँ, समाज का विज्ञान। ओके, समाजशास्त्र का शाब्दिक शब्दों में जो अर्थ आता है वो आता है समाज का विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का समर्थक नहीं है? ऑप्शन एक है वीरकांत, बी नंबर मैक्स वेबर, और सी नंबर है जिन्स वर्ग, और डी नंबर है सीमेल। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा, जीन्स वर्ग। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम निम्न में से विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब यह है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम किस विद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ,
या क्वेश्चन ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले, हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि भारत में सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी या किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया या समाजशास्त्र विषय का संचालन हुआ। तो ऑप्शन एक मिल जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में, बी नंबर पटना विश्वविद्यालय में, सी नंबर कलकत्ता विश्वविद्यालय में, डी नंबर मुंबई विश्वविद्यालय में। तो जो समाजशास्त्र का सबसे पहले भारत में अध्ययन हुआ था वो मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ था, मुंबई विश्वविद्यालय में। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन किस यूनिवर्सिटी या किस विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुआ, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि मुंबई विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है? समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना है। ऑप्शन एक है जॉनसन, बी नंबर दुर्खीम, सी नंबर है फ्लेमिंग और डी नंबर है वान विज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, जॉनसन। ओके, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन है सीरीज में कि मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है, नंबर एक सामाजिक संगठन, बी नंबर सामाजिक क्रियाएं और सी नंबर है सामाजिक संस्थाएं और डी नंबर है सामाजिक एकता। तो जो मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसका मेन आधार क्या है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक क्रियाएं। ओके, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न में से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है? नंबर एक जनी जात, बी नंबर है जात, सी नंबर बंद और डी नंबर है सांस्कृति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न में से जो अवधारणाओं के चारों ओर भ्रमण करता है वो है जाति। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा जाति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाएं, मानव व्यवहार, समाज। तो जो समाजशास्त्र है वो अध्ययन है समाज का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इस पर जरूर फोकस करिएगा। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे होंगे कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन जानते हैं कि समाजशास्त्र भी होता है सामाजिक विज्ञान भी होता है, लेकिन कभी ये मन में कंपेयर नहीं किया होगा कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं ब्रिलियंट हैं उनको मालूम ही होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको बताना चाहूँगा कि जो समाजशास्त्र है ठीक है और जो सामाजिक विज्ञान है वो एक ही है। तो नंबर एक है सत्य, बी नंबर असत्य, सी नंबर आंशिक, डी नंबर में से कोई नहीं। तो जिन स्टूडेंट का इसका राइट आंसर मालूम है वो बेशक हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो भी है आपके पास सही गलत आंसर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान है वो दोनों एक ही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य होगा। ये क्वेश्चन सही है, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक ही है, बस स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र एक विशुद्ध भौतिकी है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध भौतिकी है? तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा कांट, बी नंबर वेवर और सी नंबर स्पेंसर और डी नंबर है मैका ईवर। ठीक है, तो समाजशास्त्र एक विशुद्ध भौतिकी है, ये कहा है श्री हमारे कांट जी ने। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, कांट ने कहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान किसने माना है? नंबर एक है दुर्खीम ने, बी नंबर है बीर स्टीड ने, सी नंबर मैक्स वेवर ने और डी नंबर है वेवर ने। तो समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान किसने माना है? तो जो अमूर्त विज्ञान माना है उनका नाम है बीर स्टीड जी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बीर स्टीड, बी नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं,
तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए हैं आई होप। अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ उसको वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करें। अगर जिन स्टूडेंट को सेकेंड पार्ट इसका चाहिए समाज शास्त्र का, इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं सेकेंड पार्ट भी इसका लेकर आऊँगा। बस आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए और फेसबुक पे शेयर करिए, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आप तक प्रोवाइड करता हूँ, तो इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप मेरे लिए कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर लिखा है sandeepinfo.com, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा भंडार, यानी कि बीए का बहुत सारे क्वेश्चन, हिंदी और समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज़ वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, sandeepinfo.com। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमें हमसे आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजाते रहो।